हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। टू बॉल्स आर थ्रोन साइमल्टेनियसली इन एयर। द एक्सिलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द टू बॉल्स इन एयर इज इक्वल टू। सो बच्चों, गिवन है क्वेश्चन में दो बॉल्स को एक साथ एयर में थ्रो किया गया है। तो मान लेते हैं कि फर्स्ट बॉल का मास है एम वन एंड दैट ऑफ सेकेंड बॉल एज एम टू, और ये दोनों बॉल्स को अपवर्ड डायरेक्शन में एक साथ थ्रो किया गया है। अब हमें फाइंड करना है कि दोनों बॉल्स के लिए एक्सिलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास की वैल्यू क्या होगी। सो बच्चों, एज वी नो, acceleration of center of mass is expressed as for two particles m1 a1 plus m2 a2 divided by m1 plus m2. so bachcho, agar hum isko vector form mein represent karte hain is tarah se, so as we know acceleration of first body same as acceleration of second body is equal to the minus value of the acceleration due to gravity, kyunki yahan par एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा एक्ट करेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो जब हम इसको वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे विथ डायरेक्शन, सो दिस विल बी माइनस जी। तो हमें यहाँ क्या मिल जाएगा, अगर दोनों बॉडीज को मानने सेम मास के हैं तो ये मिल जाएगा हमें माइनस जी। एंड बच्चों, अगर हम इसको स्केलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करें दिस विल बी ओनली प्लस जी। सो करेक्ट ऑप्शन में बी ए और सी। So correct answer will be option number D. Thank you.